प्रोग्राम आप देख रहे हैं टैग टीवी पे, और हमारे बहुत से नाज़रीन दुनिया भर में लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे हमारे टैग टीवी के पेज पे। आप सबको खुश आमदीद। अगर आप प्रोग्राम के दौरान हमें कॉल करना चाहें, हमारा नंबर है 905-320-0906। व्हाट्सएप पे भी आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो 905-320-0906 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम लाइव जाएगा और इसमें आपकी कॉल्स भी होंगी, मुख्तलिफ सवालात जवाब भी होंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन इंतखाबात के बारे में बहुत सारी खबरें जमा होती जा रही हैं, बहुत सारी कयास आ रहे हैं, जन्म लेती हैं, बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें बायकॉट का भी एक सिलसिला है जो कि कराची, हैदराबाद, सक्कर, सिंध के अर्बन शहर, सिंध की एक बहुत बड़ी इकाई को माइनस करके इन इंतखाबात को लड़ने की तैयारी की जा रही है। पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग की भी बहुत सारी खबरें हैं, और इन खबरों में क्या सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मेहमान को मधु किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मेंबर हैं शाहिद रज़ा खान साहब। आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं, और उनसे इन्हीं सवाल के जवाब भी लेंगे और आपके सवाल के जवाब भी लेंगे। वेलकम टू शो सर। अस्सलाम वालेकुम अनिल भाई, मैं अपनी जानिब से आपका, आपकी टीम का और टैग टीवी का बहुत मशहूर हूँ। आपने मुझे मधु किया ताकि मैं MQM का मौक़िफ बयान कर सकूँ और आपके सवाल के जवाब दे सकूँ। तो जैसे कि शाह साहब, पाकिस्तान में MQM एक तीसरी बड़ी जमात के तौर पे जानी जाती रही, और गुज़िश्ता कई दहाइयों से, अब तो कहना चाहिए, इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है और सक्सेसफुली अपनी सीटों को मेंटेन रखा है। वही जमात है जिसने अपनी सीटों को सेनेट में, सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में रखा है। 2013 से लेकर अब तक, और ख़ास तौर पर 22 अगस्त से लेकर आज तक, किस जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ हो गई, बहुत टूट फूट का शिकार हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका, एक तरह से एक दगरगुं सूरत हाल है, क्योंकि बहुत बुरी सूरत हाल लोग कहते हैं, इस बारे में तो पहले बताइएगा। बहुत शुक्रिया अनीस भाई। आम तासर जो पाकिस्तानी मीडिया भी देता है, जो कराची और सिंध के शहरी इलाकों से बाहर रहने वालों को यही तासुर दिया जाता है, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो पाकिस्तानी मीडिया यही तासुर दे रहा है, गो के उन्होंने कोशिश करके MQM के धड़ेबंदियां कर दी हैं, धड़े बन गए हैं। लेकिन हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं। कायद तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, और इस MQM जो है वो कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं और उनके कारकुनान। बिल्कुल ठीक है, उन्हीं कारकुनान में से किसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो कोई कन्वीनियर बन जाता है, कोई डिप्टी कन्वीनियर बन जाता है, कोई जोनल इंचार्ज बन जाता है, कोई सेक्टर इंचार्ज बन जाता है, लेकिन वो तमाम के तमाम बुनियादी तौर पे कारकुन हैं। उसमें इस पूरे अरसे में, पिछले 2013 के बाद ख़ास तौर पर, और उससे पहले से काम बहुत अरसे से जारी था, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने MQM को और महाजरों के इत्तेहाद को, जो कायद तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने महाजरों को एक शनाख्त दी और एक कौम बनाया जी, ठीक, और उन्होंने बकौल आपके, और दुनिया जानती है कि अपने वोट बैंक को ही ना सिर्फ बचा के रखा, संभाल के रखा, बल्कि उस इत्तेहाद, महाजरों का जो इत्तेहाद था उसको टूटने नहीं दिया, उसी पर ज़र्बकारी लगाने की कोशिश की, और महाजरों में से लोगों को ख़रीदा गया और उनके ज़रिए से धड़ेबंदी की गई। लेकिन बुनियादी तौर पे उनकी हैसियत कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो वोट बैंक है, जो MQM का वोट बैंक है, ये कायदे तहरीक ने 40 साल से मुतवातिर मेहनत करके शबो रोज़ ये वोट बैंक क्रिएट किया है। ये वोट बैंक किसी ने कायदे तहरीक को दिया नहीं है, ठीक है, ठीक, ये कायदे तहरीक ने अर्न किया है। दो दो चार चार लोगों से घंटों मीटिंगें कर करके 1978 से लेकर और आज तक, यानी वही कायद तहरीक की मसरूफियात हैं, उन्होंने ये वोट बैंक अर्न किया है लोगों दुनिया में। अच्छा, जैसे कि आपके इल्म में कि प्रोग्राम लाइव जा रहा है और फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं, दुनिया भर में देख रहे हैं, साथ साथ आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद जकी बात कर रहा हूँ। जी जी जकी साहब, फरमाइए, कोई सवाल है आपका? जी सर, वो बहुत काबिल सताइश है। शुक्रिया, सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल शायद भाई से ये है कि जी
जो बॉयकॉट का ऐलान किया है अल्ताफ भाई ने इलेक्शंस के हवाले से, ठीक, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी ये है कि कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जा सकता था जिसको लेकर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाता। ठीक है, आपका सवाल ठीक है, ठीक ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। ये सवाल वैसे भी मैं आपसे करने वाला था कि जो आप बायकॉट का कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने जो ऐलान किया है, क्या ये कोई एक सियासी गलती तो नहीं है? इससे एमक्यूएम को या महाजरों को हासिल क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया अनिस भाई। सिलसिला ये है कि 2013 से ये जो दूसरा ऑपरेशन शुरू हुआ है, 1992 के ऑपरेशन का तसलसल है, और इसका बुनियादी और वाहिद मकसद महाजरों के इत्तेहाद को पारा पारा करना। ठीक है, इसी मकसद के तहत आज जो जिस किस्म का माहौल है, कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर मुकम्मल पाबंदी है। ठीक है, कायदे तहरीक के घर 90 पर ताला है, एमकेएम का सेक्रेटरीट खुर्शीद मेमोरियल हॉल पर ताला है, दफातर मेसमार कर दिए गए या उन पर ताले हैं, किसी जगह पे कोई सियासी एक्टिविटीज़ की गुंजाइश छोड़ी नहीं है। ठीक है, किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है। उसके अलावा सिलसिला ये है कि ख्वातीन तक को शोधा के कब्रस्तान और यादगार शोधा तक पे जाने की इजाज़त नहीं है, और उन पर संगीने और बंदूकें तानी जाती हैं, और उनको बच्चों के साथ बूढ़ी ख्वातीन को और हामिला ख्वातीन तक को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, ठीक, अब ऐसे माहौल में साथ साथ मर्दमशुमारी, मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी धांधली कि आधी आबादी गायब कर दी गई, ठीक है, उसके साथ साथ हल्का बंदियाँ ऐसी की गई हैं कि महाजरों का वोट तकसीम हो, बुनियादी मकसद यही है कि महाजरों के इत्तेहाद को तकसीम पारा पारा किया जाए, और ये एक दफ़ा दिखा दिया जाए कि महाजर और अल्ताफ हुसैन की जो ग्रिप है सिंध के शहरी इलाकों पर वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब जब हम अच्छा कोई उम्मीदवार एमकेएम अल्ताफ हुसैन कायदे तहरीक का नाम लेकर इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता, अगर वो जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और बिलफर्ज जैसा कि अभी सवाल करने वाले साथी ने जो हजरत थे जकी साहब, उन्होंने ये फरमाया कि क्या नाम है, किसी और तरीके से हो सकता था, आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर लीजिए या कुछ भी खड़ा कर, उन्होंने सूंघ कर ले जाना है पहली बात, तो वो लापता हो जाएंगे, वो उम्मीदवार ही लापता हो जाएंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि अगर वो फर्ज करें जीत भी गए, अज़की साहब आपका सवाल का जब मैं यूं भी दे देता हूँ कि अगर वो जीत भी गए, जैसा कि जीते हुए ऑलरेडी मेंबरान मौजूद थे, उनके कान पकड़ के मरोड़ के उनसे कहा आप इधर लेफ्ट मुड़ जाएं और एक से कहा आप राइट मुड़ जाएं, सेनेट के इलेक्शन उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन पॉलिटिकल रीइंजीनियरिंग भी देखी गई है और सरे आम हुई है, लोगों ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, मीडिया पे देखी है, और इन हालात में जहाँ पे एक फ़ोर्स के ज़रिए बाई फोर्स आप लोगों का मैंडेट चेंज करने की बात करते हैं, बाई फोर्स आप जब लोगों के वोट की इज़्ज़त कोई तौकीद नहीं करते, तो फिर ऐसे मौके पे अगर आप जीत के भी आ जाएंगे, अगर आप सारी की सारी सीटें दोबारा भी ले जाएंगे, वो सारे पारा पारा करने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि आप एक्सेप्टेबल ही नहीं। जी बिल्कुल, बात यह कि इसका दूसरा रुख ये है कि ये सवाल किया गया और ये सवाल अक्सर होता है हमसे कि बायकॉट से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। जी सवाल मेरा यही था कि हासिल क्या होगा, हासिल क्या होगा। बुनियादी बात यह है कि एक तरफ तो हम अपने जो महाजरों का इत्तेहाद है उसकी अलामत हमारा वोट बैंक है। ठीक है, जब हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वो वोट बैंक जिस तरीके से वोट पढ़ते हैं और जिसको भी कायदे तहरीक जिसको भी खड़ा करते हैं, ठीक है, उसको वो वोट हासिल हो जाते हैं लाखों की तादाद हर हलके से। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले वोट जो हैं सिंध के शहरी इलाकों में। दूसरा तरीक़ेकार जब ये सारे रास्ते मजबूत कर दिए गए और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, तो हम अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किस तरह करें, हम किस तरह दुनिया को बताएं कि आज भी पूरी की पूरी महाजर कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के पीछे खड़ी है और उसी तरह मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है, बिल्कुल, माँ सिवाय चंद गद्दारों के जिन्होंने पैसों के या और दीगर वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने गद्दारी की तहरीक से और कायदे तहरीक से लातअल्लुकी का ऐलान किया। तो हम ये जो बायकॉट है इससे महाजरों का इत्तेहाद का मजहर है और इससे इजहार होगा कि महाजरों में आज भी इत्तेहाद है और महाजरों को अपने उस इत्तेहाद का मुजाहरा करके पाकिस्तान हर कम्युनिटी में चंद दानिश्वर होते हैं,
وہ دانشور کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں کریں ورنہ پولیٹیکل سسٹم سے باہر ہو جائیں گے, نہیں 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 ایسا نہیں کریں ورنہ جو ہے پانچ سال کے لیے آپ ختم ہو گئے. اس کا کیا جواب؟ دیکھیں پانچ سال تو کس نے دیکھے جی, یہ بہت دور کی بات ہے. انتخابات کا اگر مہاجر قوم جس طرح ہمیشہ کرتی رہی ہے اور جس طرح آج بھی کر رہی ہے جی, جلسہ کسی کا بھی ہو سمجھ رہے ہیں نا, نعرے الطاف بھائی کے ہی لگتے ہیں, تو جگہ جگہ جہاں جہاں مہاجروں کو, نوجوان نسل کو, یوتھ کو, ملینیلز کو, جہاں جہاں موقع ملتا ہے, نیو ایئرس کی پارٹی ہو, پکنک منانے گئے ہوں, ہر جگہ الطاف بھائی کے نعرے. ٹھیک ہے, کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں کاشف بات کر رہا ہوں ٹورنٹو سے. جی کاشف جی, میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو بہادر آباد ایم کیو ایم بہادر آباد گروپ اور یہ دیگر جو پی آئی بی گروپ اور یہ دوسرے گروپ ہیں, یہ لوگوں کے گھروں پہ جا کر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ان کی ساز باز لندن سے ہوئی ہوئی ہے اور لندن کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر رہے, ان کی مرضی سے سارے کام ہو رہے ہیں, الیکشن میں جو جا رہے ہیں, نومینیشن جو ہوئی ہے اور ان کو ووٹ دیا جائے اور جو کچھ معاملہ ہے وہ لندن سے. آپ کے رشتے داروں کے گھر پہ کسی نے جا کے کچھ کہا کہ آئیے؟ جی یہ بہت بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی اور میری سسٹر کے گھر پہ, میرے بھائی, میرا اپنا گھر وہاں موجود ہے, تو سب کے گھروں پہ جا کے, وہ جو پی آئی وی اور جو بہادر آباد گروپ ہے خاص طور پہ, وہ لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں اور میرے دوست وغیرہ, مطلب وہاں پہ ایک عام تاثر ہے شہر میں ایم کیو ایم. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اندرونی طور پہ ہم پہ آشیرواد ہے, الطاف حسین صاحب کی فکر نہیں کر رہے, ہم ملے ہوئے اندر سے, یہ کچھ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے؟ بالکل یہی, بالکل یہ تاثر ہے کہ یہ جو نامینیشن کینڈیڈیٹ ہم نے نامینیٹ کیے ہیں یہ الطاف حسین کے نامینیٹڈ کرتا ہے, جی جی. دیکھیں قائد تحریک نے اپنے خطاب میں بھی اور قائد تحریک نے اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی واضح طور پر یہ بیان دے دیا ہے کہ ان کا نہ کسی پی آئی بی ٹولے سے, نہ کسی بہادر آباد ٹولے سے, نہ کسی حقیقی ٹولے سے, نہ کسی ندیم نصرت ٹولے سے, نہ کسی کمالو ٹولے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بالکل اس قسم کی افواہوں پہ مہاجر قوم بالکل کان نہ دھریں. قائد تحریک کا بائیکاٹ کا فیصلہ, رابطہ کمیٹی کے فیصلے اور دیگر جو اکابرین ہیں ان کے مشوروں پہ جو فیصلہ ہوا اور اس کی قائد تحریک نے توثیق کی, اس وہ اٹل فیصلہ ہے اور اس پہ پوری مہاجر قوم کو قائم رہنا چاہیے اور کسی کی بھی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہ ہو. بالکل کیٹیگوری کے لیے آپ ایک ذمہ دار ہیں, آپ ایک ذمہ دار ہیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, سینٹرل لندن جو متحدہ قومی ہے اس کے آپ ممبر ہیں, آپ یہ ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں؟ میں پوری ذمہ داری ملی بھگت نہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہے اور قائد تحریک اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ جو ان غداروں کے ساتھ رابطہ کرے گا وہ خود بھی غدار ہے, تو اس لیے کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں اس قسم کے کسی بھی پروپیگنڈے کو. یہ سب پروپیگنڈا ہے, دو دو چار چار ہزار ووٹ مل کر کسی طرح سے سیٹ نکالنے اس کوشش میں لگے ہیں. اگر اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس کوشش میں لگے ہیں کہ دو چار ہزار ووٹ لے لیں, یا اس کوشش میں لگے ہوئے کہ کم از کم ان گلیوں میں جا سکیں؟ ان گلیوں میں تو جانے کا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کی جو صورت حال ہے, جائیں گلیوں میں کیا ہوگا, ویلکم, آئیں, کچھ نہیں ہوگا. عوام دیکھیں, عوام نے ان کو منتخب کیا تھا قائد تحریک کے, ٹھیک ہے, وہ دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے, عوام ان سے سوال کر لیں گے کہ آپ کو ہم نے منتخب کیا تھا قائد تحریک کے کہنے پر, اب آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے قوم کے ساتھ. ایک ساتھی ایک دوست نے لکھا ہے کہ یہ لوگ یہاں آئیں گے تو ان سب کا انڈوں سے استقبال کیا جائے گا. انڈے بھی مہنگے ہوتے ہیں دوست, آپ اپنی جو ہے وہ ان کو تہذیب کے دائرے میں رہ کر بھی ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ جس پارٹی کا مینڈیٹ لے کر آپ یہ کھمبے جیتے تھے اور کھمبوں نے ایک سیلیبریٹی کی صورتحال اختیار کی تھی, وہ اس پارٹی کا مینڈیٹ ان کے پاس اب نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اس سے اچھا واضح کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, تو یہ جو سیلیبریٹی بن گئے تھے اس پہ بات ہو جائے گی, آپ کے تو بہت سارے سیلیبریٹری وہاں پہ بیٹھے ہوئے آلریڈی, کیا کیا نام ہے, مطلب وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے وہ ہیرو ہیں, گفتار کے غازی ہیں, سب ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے اور آج کل پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ایک پروسیس جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے بہت مشہور ہے جسے ہجامہ کہتے ہیں. جی
سارا گندا اور فاسد خون اس کے نکال دیا جاتا ہے اور انسان کا باڈی کپنگ جسے کہتے ہیں. پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جوک سے نکالا جاتا تھا اور آج کپنگ کے ذریعے نکالا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی کپنگ ہو گئی ہے اور یہ سارے نکل گئے ہیں. اور یہ جو جن کے آپ سیلیبریٹیز کی بات کر رہے ہیں, میں انہیں کیٹ واکرز کہتا ہوں, جو ریمپ کے اوپر کیٹ واک کرتے ہیں یا کرتی ہیں, اس قسم کی شخصیات ہیں ان کی. اور میں نے کہا نا کہ یہ عوام میں جائیں, عوام خود ان سے سوال کر لے گی. عوام کرے گی سوال؟ بالکل سوال, آنے والا وقت بتائے گا. بالکل آنے والا وقت بتائے گا. اچھا, کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کی یہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی, اب ایم کیو ایم میں کوئی وزن نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, اٹس اے میٹر آف ٹائم. بالکل صحیح ہے جو کہہ رہا ہے کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اٹس اے میٹر آف ٹائم. لیٹس سی واٹ ول کم ٹمارو. کچھ دیر کی بات ہے, کچھ دیر کی بات ہے. تو کچھ دیر کی بات میں کچھ نہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. بالکل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اٹس اے میٹر آف ٹائم. ٹھیک ہے, کیا ایسا ہو شاہد صاحب کے لوگ جو مقتدر ادارے ہیں پاکستان کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے سی ای سی یا رابطہ کمیٹی یا قائد تحریک بیٹھ کے ان سے کوئی ڈسکشن مذاکرات کر سکیں؟ کچھ ایسا صورتحال نہیں بن سکتی کہ اس پورے سسٹم کو بچایا جا سکے؟ دیکھیں, یہ قائد تحریک بار بار اپنے خطابات میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. ٹھیک ہے, آ جائیے, بیٹھ جائیے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیجیے, ہمیں اس طرف نہ دھکیلیے. ٹھیک ہے, جس کا ہم نے خواب نہیں دیکھا. ہم اپنے آبا و اجداد کے خواب جو ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا ہے اس کی اتنی بھیانک تعبیر کی طرف ہمیں مت دھکیلیے. ٹھیک ہے, تو مذاکرات کے لیے دروازے کھلیں, لیکن مذاکرات کے بنیاد یہ ہے کہ اب باتوں سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, مہاجروں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے مستقل بنیادوں پہ سرٹیفکیٹ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت غداری کا سرٹیفکیٹ تو تقسیم کر دیجئے, اب آپ ایسا کیجئے کہ مہاجروں کو جو سرٹیفکیٹ چاہیے وہ فرزند زمین, سن آف دا سوائل ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے. صحیح, صحیح. اور وہ آپ بہت آرام اور آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. آپ صوبے بنا دیجئے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی ایک اشارہ, آپ کے لیے بہت آسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ایک اشارہ کیا ہے, بغیر کسی چوں چرا کے کے پی کے میں فاٹا کو ضم کر دیا گیا. ٹھیک ہے, بالکل, تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, انیس بھائی, جتنے بڑے بڑے یہ صوبے ہیں اتنے بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں. بالکل صحیح, تو ملک کی طرف مت دھکیلیے اس کو, صوبوں کی حدود میں لے آئیے. ٹھیک ہے, سب کو برابر کے حقوق دے دیجیے, پاکستان ترقی کی راہ پہ گام بچ بھی جائے گا اور ترقی کی راہ پہ گامزن بھی. اس سے پہلے میں اگلا سوال کروں, میں ایک بار پھر اپنے ناظرین کو جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور کامنٹس بھی دے رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ سلام بھی کر رہے ہیں, خیریت بھی پوچھ رہے ہیں. نمبر ہمارا 9053200906, اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. شاہد رضا صاحب سی ای سی کے ممبر ہمارے درمیان موجود ہیں, کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو ہم لیں گے, اس کا جواب دیں گے آپ کو. اور واٹس ایپ پہ بھی یہ نمبر ہمارے چلے گا. ساتھ ساتھ اگر آپ فیس بک پہ جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں نیچے کامنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں آپ. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے نعرے تو لگ رہے ہیں لیکن سوال نہیں آ رہے, تو آپ سوال کیجئے جہاں بھی ہوں, وہ سوال بھی کریں گے. فرزند زمین کی جو آپ نے بات کی تھی, مہاجروں کو فرزند زمین کی کیا ڈیمانڈ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین تو آپ ساتھ لے کر آئے تھے, متروکہ جو زمینیں ہیں جو کہ حق ہے, بائی رائٹ ہے آپ کا, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ کہ اس کو صرف قبول کوئی نہیں کرتا, تو فرزند زمین تو آلریڈی ہیں. جی بالکل, فرزند زمین ہیں ہم, لیکن یہ جو تانے ہیں فرزند زمین نہ ہونے کے, جی, اور اس کے ساتھ جو لپٹی ہوئی محرومیاں اور ناانصافیاں ہیں, ان کا ازالہ چاہیے, اس کی گارنٹی چاہیے پاکستان کے آئین میں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ دیکھ کر جائیں. ٹھیک ہے, قوموں کی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمرانی معاہدے جو ہیں وہ اثر نو بھی کیے جاتے ہیں, اور پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زائد ہو چلا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ نئے معاہدے کیے جائیں, نئے ایگریمنٹس کیے جائیں قوموں کے ساتھ, اور دنیا کی جو کثیر الثقافت, کثیر المذاہب, کثیر اللسان جہاں پہ نیشنز رہتی ہیں, کینیڈا کی ایک مثال بہت بڑی ہے, ملٹی کلچر سوسائٹی, ان کتنے پیسفلی رہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کا ایک چارٹر ایک ایسا ہے, ایک معاہدہ ایک ایسا ہے کہ جس کے تحت ہم رہ رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں وہ تھوڑی سی دانش مندی کا ثبوت دیں تو وہ بھی ایک نیا معاہدہ کر کے سب کو سکون کے ساتھ اس ملک میں ایک چھت تلے رکھ سکتے ہیں.
देखें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी एक को गले से लगाओ ठीक और फिर दूसरे की पिटाई करो, बिल्कुल सही, फिर उसको गले से लगाओ फिर दूसरे की पिटाई करो। महरूम तबकात जो हैं पाकिस्तान के, वो छोटे सूबे के अलावा बड़े सूबे में भी हैं, तो आपको सबके हुकूक देने पड़ेंगे, मसावी हुकूक देने पड़ेंगे आपको। अगर आप मसावी हुकूक नहीं दोगे और सबको उनके मुस्तकबिल की गारंटी प्रोवाइड नहीं करोगे, आपके लिए मुश्किल है। आप आइसोलेशन में रह नहीं सकते दुनिया में, आज की दुनिया में ठीक है, आप इवन अफोर्ड नहीं कर सकते हम आज की दुनिया में आइसोलेशन में रहना ठीक है। तो आपको दुनिया देख रही है, हम खुद भी क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के हर फोरम पे जा रहे हैं और दरवाजे खटखटा रहे हैं। इस पे फोरम पे जाने से पहले, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो अगला स्टेप्स हैं वो क्या हैं, एमक्यूएम किस तरफ देख रही है और आने वाले दिनों में क्या लाए अमल होगा, क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है, मनसूबा बंदी है, हिकमत अमली क्या है एमक्यूएम की, इस बारे में भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, हम लाइव हैं इस वक्त आपके साथ और हमारा नंबर है 905-320-0906। अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाहें इसी नंबर पे कर सकते हैं या लाइव कॉल कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है और आप दुनिया में कहीं और हैं तो फेसबुक पे इस वक्त हम लाइव हैं, आप नीचे कमेंट में अपना नाम और अपना सवाल लिख के भेजिए, हम आपको जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। पिछले 10 सालों में इंडस हॉस्पिटल ने ये कभी नहीं सोचा कि कैसे चलेगा ये अस्पताल, जहां हो बिल्कुल मुफ्त मियारी इलाज। सोचा है तो खुदा की रजा का, जिसने बनाया है आपको वसीला इंडस हॉस्पिटल का। 11 अस्पताल, सैकड़ों क्लिनिक्स के साथ इंडस हॉस्पिटल अब पाकिस्तान के 41 डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए जरूरी है आपका साथ। क्या आप जानते हैं कि एक हदीस के मुताबिक खजूर की एक खास किस्म अजवा की गुठली तवानाई बख्श होने के अलावा दिली अमराज से बचाव और शफा याबी के लिए भी अक्सीर है। ये बात अब जदीद साइंसी तहकीक से भी साबित हो चुकी है। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ लाया आपके लिए आला तरीन अजवा खजूर की गुठलियों से तैयार करदा पाउडर। बॉन केयर, इस रमजान में सहर और इफ्तार के वक्त बॉन केयर को अपने मामूल में शामिल कीजिए और रमजान के बाद भी इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाए रखिए। बॉन केयर, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। वेलकम बैक, प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। इस वक्त हम लाइव हैं और आपके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं, आपके सवालात ले भी रहे हैं, कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल आ गए हैं इस दौरान में, हम वो भी अभी थोड़ी देर में पढ़ के सुनाएंगे और आपको उसके जवाब देंगे। हम वेलकम करते हैं अगेन हमारे मेहमान CEC मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन जनाब शाहिद रजा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, मुख्तलिफ सवालात जमा हो गए, उनके भी हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, लाइव में ही बड़े टेक्निकल मुश्किल आ जाती। कॉलर है हमारे साथ, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, हेलो जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है कि मैं यहाँ मिसागा में रहता हूँ 28 साल से। पूछता ये था कि ये जो प्रोपेगेंडा है एमक्यूएम के खिलाफ, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, यानी कि क्या रीजन है, क्या प्रोपेगेंडा है? आप क्या प्रोपेगेंडा है मुझे बताइए, क्या प्रोपेगेंडा है एमक्यूएम के बारे में? आपका बोरी बोरी बंद लाशें और इसी तरह की चीजें जो है यहाँ पर, जिससे मैं बात करता हूँ वो हर शख्स यही बात दोहराता है। मुझे नजर नहीं आया कभी, मुझे ज्यादा फाल नजर आई ये पार्लियामेंट में और वहां की सियासत में, लेकिन जब आम आदमी से बात करते हैं तो आम आदमी जो है ना वो इस पे ही बात शुरू करता है और इस पे ही बात खत्म करता है। ठीक तो है। वो जी ठीक है, अली साहब, थैंक यू। जी जी, सिलसिला ये है कि ये प्रोपेगेंडा 1992 के ऑपरेशन से आज तक तसलसल के साथ जारी है। मार्केटिंग की एक टेक्निक होती है हैमरिंग,
ये मुसलसल वो हैमरिंग का प्रोसेस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और आवाम तक, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान का मीडिया, चाहे वो प्राइवेट चैनल्स हों या सरकारी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो पूरा का पूरा आप देखें, वो मायानाज सहाफ़ी जिनके नाम थे, आज वो भी टो कर रहे हैं पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट की लाइन, तो पूरा का पूरा उनके कंट्रोल में, और वो ये मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन उस प्रोपेगेंडे को जायल करने का तरीक़ेकार यही है कि महाजिर जहाँ भी जाता है, एमकेएम का कारकुन जहाँ भी जाए, वो अपने किरदार से लोगों को बताता है, और हम जहाँ भी जाते हैं पंजाबी फैमिलीज़ में भी या पश्तून फैमिलीज़ में या सिंधी या बलोची फैमिलीज़ में, तो उन्हें हम लोगों से बात करके हैरत होती है कि मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा है और आप लोग तो किरदार के ऐसे हो नहीं। तो बात यह है कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है उसको चैलेंज सिर्फ एक ही शख्स ने किया है, वो अल्ताफ हुसैन ने। आज कायद तहरीक का फिक्र व फलसफा पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो गए। मंजूर पश्तीन पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट फाटा के बिल्कुल कबायली इलाकों से वो तहरीक उभरी है, लेकिन वो तहरीक के जो लोग हैं उनकी डिमांड और वो क्या कह रहे हैं, वो कह कोई भी रहा है लेकिन वो फिक्र फलसफा अल्ताफ भाई का, मतलब वो मैनुअल वही, मैनुअल वही है, वही किताब, हत्ता के अल्फाज तक वही इस्तेमाल हो रहे हैं, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करतूतों के खिलाफ जो कुछ भी दूसरे सियासतदान या दूसरे लोग भी कह रहे हैं। उस कायद तहरीक से पहले का दौर उठा के देख लीजिए, किसी को हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री। चूँकि सवाल था काशी अली साहब का, अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने मिस सागर से सवाल किया, हमारी लाइन अभी खुली हुई है 905-320-0906 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सवाल के जवाब में ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मीडिया जो है उसका कैमरा जिस तरफ होता है आपको वही दिखाई देता है एक बड़े स्केल पर। एमक्यूएम की एक ये परसेप्शन क्रिएट की गई थी, लेकिन साथ साथ उसका एक खिदमत खल्क का पहलू भी है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे शहरी सिंध में फैला हुआ था और कई एम्बुलेंसेज और दीगर खिदमात भी चल रही थी। मिडिल क्लास मुतवस्सित तबके के लोगों को ऊपर लाकर पाकिस्तान में एक इनकलाब बरपा करना पहली बार हुआ, ये शायद लोग भूल जाते हैं, और दीगर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती थी अगर पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ वही मॉडल अपना लेती। अब वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, पहाड़ों से अब वो आवाज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि फ़लसफ़ा वही है, किताब वही है, गाइडलाइन वही है, मैनुअल वही है, लोग दूसरे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बारह अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी तकरीर में मज़लूम कौमियतों का जिक्र किया है, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल दुरुस्त, इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कि पंजाबी हूँ। अब आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट देख ही रहे हैं जी, कायद तहरीक ने कहा कि आप 23 मार्च 1990 को मीनार पाकिस्तान के जलसे से ख़िताब करते हुए कि पाकिस्तान की तमाम सियासतदान उसमें मौजूद थे, वहाँ बबांग दौल कायद तहरीक ने पंजाब का मजमा उससे ख़िताब करते हुए कहा था कि अपने में से क़यादत निकालो जी, और वो अपने में से क़यादत निकलना शुरू हो गई। ठीक है, कायद तहरीक ने उस वक्त कहा था, लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो कायद तहरीक को अगर आप देखें तो कायद तहरीक को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, उसमें एक सलाहियत ये भी कायद तहरीक जो हैं वो रिमोट व्यूअर हैं, वो मुस्तकबिल में झांक लेते हैं। हम लोगों की समझ में नहीं आता, लोगों की, आम लोगों की समझ में नहीं आता कि आइंदा क्या होने वाला है, लेकिन कायद तहरीक को अल्लाह ताला ने ये खुदादाद सलाहियत अता की है और कायद तहरीक मुस्तकबिल में झांकने की पूरी पूरी क़ुव्वत रखते हैं, और कायद तहरीक देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। ठीक है, और बिल्कुल उनका विजन क्लियर है और वो उसी राह पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बार बार बता रहे हैं कि अब भी वक्त है। शायद सब बता तो रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बातें इस हद तक तल्ख हो गई हैं, वो जो कहते हैं ना कड़वी गोली, वो बड़ा मुश्किल था होता जा रहा है कि दो मुख्तलिफ खलीजें इतनी बढ़ गई हैं आपस में, इदारों के दरमियान और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान, देखें मतलब दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हैं, लगता नहीं है कि कभी कायद तहरीक तो बार बार, देखें कायद तहरीक तो बार बार कह रहे हैं के बातचीत के दरवाजे खुलें। बात यह है क्योंकि कायद तहरीक को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से या सिंध के शहरी इलाकों से सिर्फ सीटें लेने का मसला नहीं है, कायद तहरीक पाकिस्तान बनाने वालों की नस्ल के लीडर हैं। ठीक
ठीक है, और वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, इसी वजह से कायदे तहरीक बार बार ऑफर करते हैं, माफ़ी तक मांगी कायदे तहरीक ने, माजरत की, ठीक है, ठीक है, लेकिन सिलसिला ये है कि कायदे तहरीक बहुत कड़वे हैं ना उनकी नज़र में। हज़रत अली का एक कौल है कि हर मीठी चीज़ जहर है और हर कड़वी चीज़ शिफा है, ठीक, तो पाकिस्तान को जो बीमारियां लगी हैं ना वो यही कड़वी गोली अल्ताफ हुसैन जो है ना वही तमाम मसाइल का नुस्खा जो है ना पूरी, यानी इस बीमारी का जो डायग्नोसिस है उसकी जो दवाएं वो कायदे तहरीक हैं, ठीक है। कायदे तहरीक तमाम कौमियतों को एक टेबल पे बिठा के सबके मसावी हकूक की के लिए सबको राजी कर सकते हैं, ठीक है। कुंजी जो है ना, चाबी पाकिस्तान के मसाइल के हल की, वो कायदे तहरीक के हाथ में है। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ एक दफ़ा फिर सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, क्योंकि ये हमारे आबाओ अजदाद के खून से बना है जी। हमारे पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, फिर आपकी बातों से मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है कि जो परसेप्शन है वो ये, वो तो ये है कि आप मुल्क दुश्मन लोग हैं, ठीक है, ये मतलब मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है हमारा मुल्क प्यारा मुल्क, इसकी हम खैर ख्वाह हैं। हम देखें, मुल्क तो मेरे आबाओ अजदाद ने बनाया ना, ये कोई मतलब इस तारीख को किसी तौर पे मिटा नहीं सकते। किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। मेरे आबाओ अजदाद ने 20 लाख जानों के नजराने पेश किए हैं, हमारी माओ बहनों की असमतें दागदार हुई, तब जाकर हर घर में, हर घर में, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत है, हर घर में जाकर देख लीजिए, ऐसे ऐसे वाकयात और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। मैं खुद पाकिस्तान की तहरीक में ज़ख्मी होने वाले की औलाद हूँ, मेरे वालिद को यहाँ से यहाँ तक जिस तरह सर्जरी होती है ना बाकायदा, उस तरह के हम जब बच्चे थे तो हम देखा करते थे, पूछते थे ये क्या है, तो वालिद ने हमारे बताया कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान। तो भाई हर घर से, ये नहीं कि सिर्फ मेरे घर से, हर घर से, हर ख़ानदान से कोई ना कोई शहीद है, कोई ऐसे पाकिस्तान नहीं बना, ठीक। तो हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो भाई हमारे आबाओ अजदाद के ख्वाब की इतनी भयानक ताबीर ना दिखाओ, हाँ। हमें उस सिमत में ना दिखाओ धकेलो कि हम कोई और ख्वाब देखना शुरू कर, ठीक ठीक ठीक। अभी भी वक्त है, हम बार बार आपसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ इंसाफ कीजिए, हाँ। तमाम कौमियतों और तमाम अकलियतों के साथ, पाकिस्तान सबका है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान को किसी खास तबके का पाकिस्तान बनाएंगे, ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, ठीक। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल जमा हो गए, कॉलों का सिलसिला भी अभी चलेगा, 9053200906। छोटा सा एक ब्रेक लेना है मुझे, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। पिछले 10 सालों में इंडस हॉस्पिटल ने ये कभी नहीं सोचा कि कैसे चलेगा ये अस्पताल, जहां हो बिल्कुल मुफ्त मियारी इलाज। सोचा है तो खुदा की रजा का, जिसने बनाया है आपको वसीला इंडस हॉस्पिटल का। 11 अस्पताल, सैकड़ों क्लिनिक्स के साथ इंडस हॉस्पिटल अब पाकिस्तान के 41 डिस्ट्रिक्ट्स में, इसीलिए जरूरी है आपका साथ। क्या आप जानते हैं कि एक हदीस के मुताबिक खजूर की एक खास किस्म अजवा की गुठली तवानाई बख्श होने के अलावा दिली अमराज से बचाव और शफा याबी के लिए भी अक्सीर है। ये बात अब जदीद साइंसी तहकीक से भी साबित हो चुकी है। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ लाया आपके लिए आला तरीन अजवा खजूर की गुठलियों से तैयार करदा पाउडर बॉन केयर। इस रमजान में सहर और इफ्तार के वक्त बॉन केयर को अपनी मामूल में शामिल कीजिए और रमजान के बाद भी इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाए रखिए। बॉन केयर, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। वेलकम बैक, प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। शाहिद रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM CEC के रुकन हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, और मरकज़ी कमेटी है ये, लंदन से में होती है कमेटी की, मुख्तलिफ अरकान हैं और एक अहम जिम्मेदारी पे फाइज हैं और मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इस दौरान में हम अपनी फ़ोन कॉल का सिलसिला भी जारी रखे हुए, नंबर अगर आप कॉल करना चाहें 9053200906
0906 पे अभी कॉल कर लें तो हम आपका सवाल ऑन एयर ले लेंगे अभी, और इस दौरान में कुछ सवालात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि ये इस पे आ रहे हैं तो मुझे देखना पड़ रहा है। शब्बीर साहब ने पूछा है कि डज एम क्यू एम हैव एनी वेज टू ओपन डायलॉग विद मिलिट्री लीडरशिप, और इफ वी फेल टू ओपन एनी डायलॉग देन मुहाजिर्स हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो डायलॉग का रास्ता जैसे बात हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है शब्बीर साहब का। जवाब इसका ये है कि हम तो कायदे तहरीक भी और हम भी मुंतजर हैं पाकिस्तान को सलामती की तरफ और तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, और ये जो बार बार सियासी फवायद के लिए सियासी जमातों को और कौमियतों को गद्दार करार देने का सिलसिला है, इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनती तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। सवाल का दूसरा हिस्सा ये था, सवाल का दूसरे हिस्से का जवाब ये है कि हम पूरी दुनिया के हर फोरम में जा रहे हैं और हर जगह खटखटा रहे हैं और हमारी बात अब सुनी जा रही है। अमेरिका के, कैनेडा के, बरतानिया के, अक्वामे मुत्तहदा के ऐवानों में महाजरों के साथ होने वाले मजालिम का प्रचार हो रहा है, लोग सुन रहे हैं हमारी बातें, और दुनिया आज की दुनिया में आइसोलेशन, जैसा मैंने पहले कहा था, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। अरे एक बड़ा ख़तरनाक सवाल अली साहब ने किया है कि फारूकी साहब अपने मेहमान से पूछें कि क्या वो कराची जाने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त कायदे तहरीक कहेंगे बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं कि इस किस्म के सवालात भी करते हैं और डायलॉग मतलब इसके जवाब भी सुनना चाहते हैं। ये कायदे तहरीक अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनकी भी मुअद्दबाना गुजारिश है उनसे भी कि कायदे तहरीक जिस वक्त ये समझें, ना सिर्फ मैं, हज़ारों की तादाद में साथियों ओवरसीज़ में जो बैठे हैं, जिस वक्त ये समझें कि महाजिर हुकूक की तहरीक में अब साथियों को पाकिस्तान जाना है, एक लम्हे की भी देर नहीं करेंगे, हम पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान चले जाएंगे। अच्छा, फैसल खान साहब ने भी एक और कड़वा सवाल किया है कि जब इक्तदार में होते हैं तो सो जाते हैं और तब सुबह की बात याद नहीं आती, पैसा लेकर ज़बान बंद कर लेते हैं, ये हमें फरमाया। जी, जिनकी बात कर रहे हैं पैसा लेके, मैंने अभी बताया ना, तहरीक साफ़ हो चुकी है उन लोगों से, और जो पैसे लेकर और पाकिस्तान में, यही तो मसला है एमक्यूएम का। जी, एमक्यूएम के साथ मसला यही है कि एमक्यूएम में ऐसे लोगों को ख़रीदा और करप्ट किया गया पहले, और फिर उनको ख़रीद कर मनमानी राह पर डाला गया ताकि महाजरों के इत्तेहाद को मुंतशिर किया जाए, क्योंकि महाजरों का जो दायमी इत्तेहाद है वो चैलेंज है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि दीगर कौमियतों के, छोटी कौमियतों के लोग जो उनके रहनुमा हैं वो बिक जाते हैं, वो झुक जाते हैं। एमकेएम वो वाहिद तंजीम थी जिसके कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ना बिक सके, और इसका बरमला इजहार पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान ने पाकिस्तानी मीडिया पर भी आके किया, ना वो बिके और ना झुके। यही सिलसिला है कि जब ऊपर से कुछ काम ना बना तो उन्होंने नीचे लोगों को तलाश करना शुरू किया, और जो कमज़ोर लोग कमजोर थे उनकी कमज़ोरियों को जवाज बनाकर, उनको ब्लैकमेल करके या उन्हें लालच देकर, खौफ और लालच दो ही चीज़ें हैं ना जिससे आदमी को ख़रीदा जा सकता है या झुकाया जा सकता है, वो हरबे इस्तेमाल किए और लोग ट्रैप में आ गए, और वो जो लोग ट्रैप में आ गए उनके पास चॉइस नहीं है कोई, क्योंकि उनकी गर्दनों को पीछे से पकड़ रखा है, उनकी डोरियों को हिलाया जाता है, वो कोई आके एमक्यूएम को और महाजिरों की तहरीक को दफन करने की बात करता है, कोई कहता है कि मैं महाजिर ही नहीं हूँ, जो पूरी ज़िंदगी कहता रहा मैं महाजिर हूँ, आज कहता है कि महाजिर नहीं हूँ, और आज भी अब ये इंतखाबात का वक्त आया, फिर महाजिर बन गए और सारे दरवाज़ों पर जा रहे हैं और महाजिर नारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगा। महाजिर अवाम पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बाशऊर अवाम है, सियासी सूझबूझ रखने वाली अवाम है, वो इशारों में समझती है बात। कायदे तहरीक अगर अपने वीडियो पैगामात ना भी भेजें, वीडियो ब्रीफिंग्स ना भी हों, तब भी वो कायदे तहरीक की सिर्फ तस्वीर भेज दीजिए, उससे लोग समझ जाएंगे कि क्या मूड चल रहा है। तो पाकिस्तान महाजिर अवाम बहुत बाशऊर हैं, उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए ये जो गुर्गे हैं इनकी क्या औकात और क्या हैसियत है। तो हम तो कहते हैं, वेलकम करते हैं कि आएँ इलाकों में, आएँ, इंतखाबात का वक्त है, आइए ज़रा सवालों के जवाब दीजिए आवाम के। ज़ुबैर खान साहब का एक सवाल पढ़ देता हूँ जी। क्या
क्या इन लोगों को आम माफ़ी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मजबूरी में MQM पाकिस्तान बनाई और लंदन को डिसओन किया? ये ज़ुबैर साहब थे। देखें जी, बात यह है कि जहाँ तक मजबूरी का ताल्लुक़ है, बेशक बहुत सारे कारकुनान बहालत मजबूरी गए होंगे, उनकी जानों को ख़तरा होगा, उनके घरों की इज़्ज़त और आबरू को ख़तरा होगा, उनके माल व असबाब को, उनकी नौकरियों को ख़तरा होगा। उसके लिए तहरीक को पता है और उसके लिए तहरीक को के पास पूरा प्रोसेस मौजूद है। जब कभी ऐसा वक्त आया तो स्क्रूटनी होगी और उस तरीक़ेकार से गुजारा जाएगा, जो ठीक होगा वो ठीक होगा। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके बारे में तो मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ, पूरी दयानतदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनको भूल जाइए, ये अपनी किस्मत का फैसला कर चुके। सेलिब्रिटी का ड्रामा ख़त्म हो गया, सेलिब्रिटी का ड्रामा ख़त्म हो गया। आप कायदे तहरीक हैं और कारकुनान हैं। अब जिन साथियों के आपने देखा होगा, आप लंदन भी तशरीफ लाए, आपने देखा होगा कि अब कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर, राबता कमेटी के अराकीन, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के कमेटी के अराकीन, जिम्मेदारी के एतबार से अराकीन हैं, लेकिन वो कारकुन हैं। ठीक है, कायदे तहरीक और कारकुन, अब ये दो लोग रह गए, बीच की लेयर्स, बीच की सारी लेयर्स ख़त्म हो गई। और इंशाल्लाह मौजूदा जिसको भी कायदे तहरीक ने जिम्मेदारी दी है, वो कायदे तहरीक का सिर्फ और सिर्फ कारकुन, उसके अलावा कुछ नहीं। वो पहली वाली 80s की सियासत, जो पार्टी का एक फलसफा था जी, बिल्कुल, कि वो डायरेक्ट जाते थे छोटे छोटे घरों में, मकानों में फिक्री नशिस्तें, और वो कारकुन डेवलप करते थे जी, वो फैक्ट्री दोबारा से तैयार वो है। और कायदे तहरीक के कारकुनान तो देखे ना, लोगों ने एक ये तासुर दिया है कि जनाब कायदे तहरीक, नई नस्ल जो है कायदे तहरीक से जुड़ नहीं सकी जी। आप जितने भी पिकनिकों पे, न्यू ईयर्स पे, ये जो जलसे PIB टोले के और मलीर में ये जो मंदिर पे चले जाएं, मुख्तलिफ ये दूसरी सियासी जमातों के, वहाँ कौन से लोग आके कायदे तहरीक के नारे लगा रहे हैं? वो सब 18-20-16 साल के बच्चे, उन्होंने तो देखा भी नहीं, उन्होंने कायदे तहरीक को कभी देखा भी नहीं। ये अटैचमेंट एक दिनों में नहीं बनी है भाई, और ये वन साइडेड नहीं है। कायदे तहरीक ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल दिए दुनिया में, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अपनी अवाम और अपने कारकुनान के साथ इस तरह से कनेक्ट हो। जितने खिताबात रोज़मर्रा की बुनियाद पे हो, और जितना टाइम कायदे तहरीक लगाते हैं, एक छोटे से छोटे इलाके कराची के, हैदराबाद के, मीरपुर खास के, टंडो जाम के, सिंध के शहरी, और बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ MQM के एक एक शख्स की खबर गिरी रखते हैं, किसी हर एक की खुशी और गम में शामिल होते हैं। जब इतना बड़ा लीडर किसी साथी के घर में होने वाली शादी में तोहफा भेजेगा, अभी ये देखिए सिलसिला है जो हमेशा से MQM की रिवायत रही है, कायदे तहरीक की रिवायत रही है, कि शहदा के, असीरों के, लापता साथियों के और दीगर वो लोग जो इस काबिल नहीं कि वो अपने घर बार चला सकें, उनके घर पे ईदियां जाती थीं, उनके बच्चों को भी कपड़े और नए कपड़े और नए मलबूसात अरसाल किए जाते थे, ईदी दी जाती थी ताकि घर में सिवैयाँ और शीर खुरमा वगैरह बन सके, वो आज भी सिलसिला जारी है। कायदे तहरीक इन नामसायद हालात के बावजूद, वो जो लोगों की कॉल्स आती हैं या जो लोग अपने गम का मदावा करते हैं, उसको कभी इनकार नहीं करते, हमेशा किसी भी तरह से पूरा करते हैं, लेकिन वो जो ईदी का सिलसिला है, आज भी खुशी में, मतलब लोगों को ईद मनाने के लिए अगर कोई शख्स उनकी मदद कर रहा है सिंध के शहरी इलाकों में, तो वो कायदे तहरीक हैं। जगह जगह पर घरों में उसी तरह से ईदी, उसके लिए कायदे तहरीक को दुनिया भर में लोगों से अपीलें करनी पड़ रही हैं, लेकिन लोगों को, शहीदों को, आम कारकुनान के घर वालों को, सबको ईदी मिल रही है और सब ईद मनाएंगे। अब ऐसा बाप किसको मिलेगा? अच्छा, आपने जब ये तहरीक ज्वाइन की थी, उस वक्त के दौर में आप मिलेनियल्स काउंट होते थे, एक नौजवान यंग स्टूडेंट ने तहरीक शुरू की, और आप लोगों ने तो मुलाकातें भी की, देखा भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को। ये जो मिलेनियल्स हैं, इन्होंने तो ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है, ना उनको फिक्री नशीज अटेंड किए, और उनके पास टाइम भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी एक कनेक्शन जो देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर देन इस जनरेशन से, जो बेबी बूमर जनरेशन है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे ये करिश्मा एक हुआ है? देखें, अल्लाह ताला ने, वो करिश्मे के लफ्ज़ से ही आपने कह दिया, अल्लाह ताला ने कायदे तहरीक को करिश्मा साज शख्सियत बनाया। कायदे तहरीक की शख्सियत का करिश्मा यही है
کہ قائد تحریک کے روح جو ہے اتنی پاک اور اتنی خوبصورت ہے کہ وہ سوائے محبت کے علاوہ اور کسی چیز کا پرچار ہی نہیں ہے. ان کی جسم سے جو بھی توانائیاں اور ریز نکلتی ہیں وہ محبت کی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور اس کے لیے کسی جغرافیائی حدود کی قید نہیں ہے. قائد تحریک کی آواز جس طرح سے وہ جہاں جہاں بھی بات کرتے ہیں, بچوں سے جس پیار کا اظہار کرتے ہیں, وہ انہیں اپنے والدین یا اپنے دادا دادی سے ہی میسر آتا ہے. تو وہ انہیں گھر, وہ ان بچوں کو قائد تحریک اپنے گھر کا حصہ لگتے ہیں, اور قائد تحریک بھی پوری قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں. اچھا جی, جلدی جلدی میں پڑھ دوں, یہ تھوڑے سے کامنٹس آئے ہیں. کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ کیا مہاجر آف اربن سندھ پرابیبلی وانٹ ٹو نو اف قائد تحریک ول ایور بی ود ہز پیپل ان سندھ, کیا وہ کبھی وہاں جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, عوام ان کو چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ہیں. دیکھیں, اب یہ سوال آ گیا تو میں جواب دے دیتا ہوں. بہت جلد جائیں گے. کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ قائد تحریک نہیں جائیں گے. قائد تحریک کی دیرینہ خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے عوام میں پہنچیں. اس حوالے سے ایک بات کہہ دوں جی, لائٹر موڈ میں, کہ قائد تحریک کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے نا, وہاں ایک صلاحیت قائد تحریک کی یہ بھی ہے کہ وہ حیران کر دیتے ہیں, سرپرائزز دیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کسی دن پوری کی پوری جو ہے ریاست کھڑی ہوئی ہو رات میں سوتے میں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ صبح کون آ گیا. یہ ہم نے دیکھا اکثر و بیشتر ان کی اس عادت کو کہ وہ اچانک سرپرائز کر دیتے. اچھا, دوسرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. خیر, یہ تو ان کا کامنٹ ہے. ایک صاحب یہ کہتے ہیں, اطہر عزیز صاحب, کے جن کو خطرہ ہے انہیں معاف کر بھی دیا جائے تو آئندہ کوئی عہدہ نہ دیا جائے, کیونکہ یہ اس عہدے کے جو ہے وہ لائق نہیں ہے, حقدار نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے, ابھی جیسا عرض کیا نا کہ کچھ تو بہت سارے ساتھی مجبور ہوں گے, لیکن ابھی میں نے حجامہ کا ذکر کیا تھا نا, کیا آپ اپنے جسم کا کپنگ کروا کے سارا فاسد مادہ اور غلاظت نکال دو تو کیا دوبارہ اپنے جسم میں پھر ڈالو گے؟ نہیں ڈالیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. وہ بہرحال ان کو ایک کونے میں, اب دوسرے لوگوں کی باری آنی چاہیے, دوسرے لوگوں کی اور اپنی زندگی کے فیصلے انہوں نے خود کیے ہیں, قائد تحریک نے نہیں کیے. قائد تحریک نے جب تک ان کی زندگیوں کے فیصلے کیے انہیں زمین سے آسمان پہ پہنچا دیے. اب انہوں نے اپنی زندگیوں کے, اپنے مستقبل کے فیصلے خود کیے ہیں, اس کے وہ ذمہ دار ہیں خود. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ سوال باسط علی صاحب نے کیا ہے کہ یہ ان کو معاف کر بھی دیا جائے کہ مردم شماری جو ہے, سینسس ہوا ہے, اس کو عدالت میں چیلنج کیوں نہیں کرتے ہیں, اس کو بارے میں قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر بات کریں گے تو پاکستان کے اور خاص طور پہ اربن سندھ کے حالات ایسے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے گھر پہ جو تالا لگا ہے, اس حوالے سے ہائی کورٹ میں درخواست دینے کی کوشش کی گئی تھی, اور وہ شہید پروفیسر حسن ظفر عارف بھائی کوشش کر رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 92 کے آپریشن میں, اور آج میں یہی فرق ہے کہ اس وقت عدلیہ میں چند ججز ایسے تھے ہائی کورٹ کے جنہوں نے انصاف کا راستہ بند نہیں کیا تھا, جس میں جسٹس اسلم ناصر زاہد سر فہرست تھے. آج کا کوئی ایک عدلیہ کا, کسی سطح کی کوئی عدلیہ ایسی نہیں جہاں پر ہم جائیں, لاپتہ ساتھیوں کے والدین اور اہل خانہ ہر جگہ پر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں, ہر جگہ پٹیشنز لگی ہوئی ہیں, کسی ایک کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سیگمنٹ رہ گیا, اس میں ہم بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد بہت سارے کامنٹ جمع ہو گئے, سوالات جمع ہو گئے. یہ آج ہم آپ کی عدالت میں ہم نے شاہد رضا صاحب کو پیش کیا ہے, اور یہ حسن و خوبی آپ کے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں. اور اگر آپ اور کوئی تیکھے سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. 905-320-0906 پہ ہم لائیو ہیں فیس بک پہ اس وقت, ہمارے اپنے نیٹ ورک پہ بھی. اور اس میں ہم ایک اگلا سیگمنٹ کریں گے, آخری سیگمنٹ ہوگا, اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. آپ کے سوالات ہوں گے, جو کامنٹ ہوں گے پڑھ کے سنائیں گے, ان کے جوابات کی پوری کوشش کریں گے. اسٹے ٹیونڈ, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. پچھلے 10 سالوں میں انڈس ہاسپٹل نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیسے چلے گا یہ اسپتال, جہاں ہو بالکل مفت معیاری علاج. سوچا ہے تو خدا کی رضا کا, جس نے بنایا ہے آپ کو وسیلہ انڈس ہاسپٹل کا. 11 اسپتال, سینکڑوں کلینکس کے ساتھ انڈس ہاسپٹل اب پاکستان کے 41 ڈسٹرکٹس میں. اسی لیے ضروری ہے آپ کا ساتھ.
क्या आप जानते हैं कि एक हदीस के मुताबिक खजूर की एक खास किस्म अजवा की गुठली तवानाई बख्श होने के अलावा दिली अमराज से बचाव और शफायाबी के लिए भी अक्सीर है। ये बात अब जदीद साइंसी तहकीक से भी साबित हो चुकी है। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ लाया आपके लिए आला तरीन अजवा खजूर की गुठलियों से तैयार करदा पाउडर। बॉन केयर, इस रमजान में सहर और इफ्तार के वक्त बॉन केयर को अपनी मामूल में शामिल कीजिए और रमजान के बाद भी इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाए रखिए। बॉन केयर, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। वेलकम बैक। ये आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का हमारे प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी का, और हम कॉल्स ले रहे हैं। अभी मौका है आपके पास, 905-320-0906 पे आप हमें कॉल कीजिए। व्हाट्सएप इसी नंबर पे भी कर सकते हैं, और कमेंट्स आपके बहुत सारे आ रहे हैं, उन पे भी हम अभी बात कर लेते हैं। शाहिद रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEC के मेंबर हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इलेक्शन के हवाले से जो कन्फ्यूजन था उसे काफ़ी हद तक तो दूर कर दिया है। अब मेरे ख्याल में कोई भाम नहीं होना चाहिए कि MQM इलेक्शन में हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही है। नहीं ले रही है, ये तो क्लियर हो गया। MQM किसी को अंदरून खाना सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर कोई आपके घर में, ख़ास तौर पे हमें ये न्यूज़ भी मिली है हमारे सर्कल से कि अब बुज़ुर्गों को टारगेट किया जा रहा है, जो ये दो टोले हैं बहादुराबाद और PIB, और ये बुज़ुर्गों के पास जा जाकर कह रहे हैं कि इन बच्चों की बातों में ना आएँ, ये महाजरों के मुस्तकबिल का सवाल है। आप लोगों ने पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बना था, इसमें आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इलेक्शन का बायकॉट करके इस कुर्बानी को ज़ाया ना करें। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, और लेकिन इसकी बहुत क्लियर बात हो गई कि अब ये ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। शाहिद रजा साहब, वेलकम बैक। थैंक यू। ये रिपोर्ट भी मिली थी कि बुज़ुर्गों तक अप्रोच की जा रही है। जी, वो हर सतह पे कोशिश करेंगे, लेकिन हर जगह से मुक्की खाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा अर्ज किया कि उन्होंने अपनी किस्मत का फैसला खुद किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ लाइन पे है कोई साहब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी सतार बोल रहा हूँ, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, कोई सवाल? मेरा ये सवाल है कि हम जो पाकिस्तान में MQM के सपोर्टर्स हैं, MQM लंदन के, जी जी, उनके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में और इलेक्शन के बाद? अच्छा, तो मतलब आपको, आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी क्लियर गाइडलाइन मिल जाए कि आप लोग क्या करें क्या ना करें, ये सवाल है जो आपका? बिल्कुल, बायकॉट का तो आप लोगों ने कह दिया, उसके अलावा हमें क्या ऐसे स्टेप्स करने चाहिए? अच्छा सवाल है कि ये मतलब ठीक है, बायकॉट कर लेंगे, फिर क्या करें? उस दिन घर बैठ जाए, कोई फिल्म देख लें, क्या करें? ये भी अच्छा सवाल। शुक्रिया जी। कायद तहरीक ने ख़ुद भी, और राबता कमेटी ने और कायद तहरीक ने ख़ुद भी बताते खुद महाजर आवाम से यही कहा है कि अपने घरों पर बैठें। उनका घरों पर बैठना महाजर इत्तेहाद की अलामत है, और जिस महाजर इत्तेहाद को वो रेजा रेजा और करना चाहते हैं, वो आपके घर बैठने से ही जो है वो मजबूत और मुस्तहकम होगा। आप अपने घरों पर तशरीफ रखिए, घर में कुछ भी कीजिए, बच्चों के साथ फिल्म देखिए, कोई ड्रामे देखिए, या आपस में जो है उनका होमवर्क चेक कीजिए, बच्चों के साथ गपशप कीजिए, बस वो इलेक्शन का दिन आप घर पे गुजारिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहालत मजबूरी आपके बेटे की जान ख़तरे में हो, आपके किसी भाई की जान ख़तरे में हो, या आपको लगे कि ज़बरदस्ती निकाला जाए, पूरे मोहल्ले में आके रेंजर की, तो 1993 में भी लांडी मलीर कोरंगी में ऐसे ही किया गया था कि बसों में भर भर के लोगों को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर ले गए थे, लेकिन जब रिजल्ट डब्बे खुले थे तो 50,000 वोट जो है MQM के हक में आए थे। अब तो MQM इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, तो आपको अगर कोई बहालत मजबूरी ले जाता है इलेक्शन बूथ तक, तो वहां जहां बूथ है, जहां स्टैंप लगानी होती है, वहां उसके बाद तो नहीं जा सकते ना, उससे ज्यादा अंदर कोई नहीं जा सकता। वहां आपने क्या करना है, अपने वोट का जो बायकॉट की का मुतरादिफ हो, वो आप खुद बेहतर जानते हैं। जी, वो वोट को अपने आपने पूल नहीं होने देना है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और साथ साथ ये नजर रखनी है कि आपके महल्ले में कौन कौन से अनासिर ऐसे हैं जो किसी पोलिंग बूथ पे जाकर
ठप्पा तो नहीं लगा रहे, कहीं आपके वोट तो नहीं पड़ रहे आपकी, तो इस इन चीज़ों पे भी नज़र रखनी है आपने। अपने भरपूर इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, और ये जो इलेक्शन का बायकॉट है ये महाजरों को उनके हुकूक़ की जद्दोजहद में कामयाबी की ज़मानत है। अच्छा कमेंट सवाल जमा हो गए, एक कमेंट बड़े मज़े का है वो मैं पढ़ दूँ, माशाल्लाह अनीस भाई हीरो लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सवाल चाहिए मुझे आपसे, कमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल आपका सवाल है। काशिफ साहब पूछते हैं कि भाई के ऊपर से पाबंदी कब ख़त्म होगी, ज़ाहिर है ये एक ऐसा सवाल है कि हम भी इसका जवाब चाह रहे हैं। उबैद काशिफ साहब कह रहे हैं और वो जो वोट देंगे यकीन दिलाया जाता है वो हकीकत में एक बाप क्यों, बहुत सारे इस तरह के सवाल कमेंट आते हैं। देखें क्या सज्जाद सेगल साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, साजिद सेगल साहब ने, कि क्या आप लोग इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट जा रहे हैं अपने मसाइल लेकर? जी हम पूरी दुनिया के हर फोरम पर जा रहे हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी कायद तहरीक ने ऐलान किया है कि हम जाएंगे, उस सिलसिले में तैयारियाँ हो रही हैं, और हम कोई ऐसा दरवाज़ा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसा मैंने फिर रिपीट करूंगा कि आइसोलेशन में नहीं रह सकती दुनिया। आज पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया था इससे पहले भी, जब पाकिस्तान की जब दुनिया में कहीं हलचल हुई ना, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, यही इस्टेब्लिशमेंट जो 1992 से हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, हमें गले लगाने के लिए आ गई थी। जी जी जी, तो हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या मजालिम हो रहे हैं, किस किस्म के मजालिम हो रहे हैं, और किस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया गया। सांस लेना लोगों का मुहाल है, लोग अपने साए से घबरा रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, इंसान की फितरत ऐसी है कि खौफ का भी एक लेवल है, उसके बाद इंसान बेखौफ हो जाता है। और उस वक्त से डरिए जब महाजिर अवाम जो हैं वो बेखौफ हो जाएं, और महाजिर अवाम, कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन ने महाजिरों को एक कौम बना दिया है, और महाजिर अब कौम परस्त होने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। महाजिर बहुत जल्द कौम परस्त बन गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये आपके लिए एक सवाल है, काशिफ सैयद कैफ साहब ने पूछा है कि शाहिद भाई 19 जून को, ये जब 19 जून आ रहा है, को किसी हल्के बिलखसूस PS 125 में कोई प्रोग्राम होना है, क्यों कोई हिदायत है अल्ताफ भाई की तरफ से रहनुमाई करके आसानी करें? नहीं बिल्कुल, दो टोक PS 125 की बात जी करें। बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहता हूं कि अभी तक पाकिस्तान में सिवाय इस अमल के नादार गरीब और शहदा और असीर और लापता के लवायकीन की दादरसी की जाए, उनको उनकी ईदी पहुंचाई जाए, उनके बच्चों के कपड़ों का बंदोबस्त किया जाए, उनके घर में खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, इसके अलावा और कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा। अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो बाकायदा तौर पे होगा, MQM कभी भी कोई काम छुपके करती नहीं। अच्छा बात हो रही है होगा या नहीं होगा, तो मैं आपसे सीधा सवाल कर लेता हूँ, इलेक्शन होगा या नहीं होगा? देखें इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के इंतखाबात के सीट बाई सीट रिज़ल्ट बना के रख लिए हैं हर हलके के। अच्छा अब प्रॉब्लम यह है कि जिस किस्म का रिस्पांस इलेक्शन के बायकॉट की वजह से आएगा तो वो मखमसे में है। ठीक, अगर उनको ये यकीन हो गया कि वो उन्होंने जो डिज़ाइन किया इलेक्शन उसको वो एग्जीक्यूट कर सकेंगे 99% भी, तब तो वो इंतखाबात करा देंगे। और अगर वो ये देखेंगे कि उनका इंतखाब कराना उस इंतखाब को झल्लू इंतखाबात में तब्दील कर देगा, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करेंगे। उन वो सिर्फ इस चीज़ का असेसमेंट ज़रूर करेंगे कि आया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहीं के मसाइल नहीं हैं, जिस किस्म की चीज़ें ये कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ को जन्म दे रही है, वो बगावत। ठीक, हर जगह, हर जगह, हर सतह पे, हत्ता के जिस किस्म का दोहरा मेयार और जिस किस्म का ओपनली पाकिस्तान की अदलिया को मिलाकर जिस किस्म का खेल खेला जा रहा है वो पाकिस्तान के हक में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बात हुई थी इससे पहले कि फ्यूचर का लाया अमल क्या होगा, और हमने कहा था कि आखिरी सेगमेंट में आपसे ये पूछेंगे कि कई चीज़ें हैं, जैसे एक साथी ने सवाल भी किया कि इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है,
جنیوا میں اقوام متحدہ کا بھی اجلاس ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کیپٹل ہل واشنگٹن میں جہاں مقتدر حلقے ہوتے ہیں، دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ لابنگ ہو سکتی ہے. ان یا قانونی چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے، کیا لائے عمل ہوگا ایم کیو ایم کا؟ دیکھیں، ایم کیو ایم اس وقت اپنا فوکس ایم کیو ایم نے رکھا ہوا ہے اسی بین الاقوامی دنیا کو. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم سوائے اس کے کہ اگر ہم ابھی اپنے ساتھیوں کو کام کرنے کے لیے کہیں، جو ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی قائد تحریک کے وفادار ہیں اور قائد تحریک کے ایک حکم کے جو ہے نا وہ انتظار میں ہیں، ان کے منتظر ہیں، لیکن قائد تحریک کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتے جس کی وجہ سے ساتھیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوں. تو پورا فوکس انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف ہے، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے پریشر بلڈ کیا جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیبل پہ لایا جائے. اگر ہمارے کہنے پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہماری استدوا پہ جو ہم بار بار کر رہے ہیں پاکستان کی محبت میں اگر آ جائے گی ٹیبل پہ تو اچھی بات ہوگی. چلیں ٹیبل پہ آتی ہیں، فرض کریں یہ ٹیبل پہ آ گئے ہم، ڈیمانڈس کیا ہوں گی ایم کیو ایم کی؟ الطاف حسین صاحب کی ڈیمانڈس کیا ہیں کہ جس پہ کہیں بیچ کا راستہ نکل رہا ہے؟ ایسا دیکھیں کچھ تو ہوگا. ویسے تو آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ لیس مسائل ہیں، تو کاؤنٹ لیس ایشوز ہیں، تو کاؤنٹ لیس اس کے سولوشنز بھی ہوں گے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر ایک لفظ میں میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ مہاجروں کو اب آپ زبانی جمع خرچ کے جھوٹے ذریعے وعدوں پہ بہلا نہیں سکتے. یہ قرآن اٹھا لیں. ہاں نہیں، اس طریقے سے سلسلہ چلے گا نہیں، کیونکہ مہاجروں کی اس 40 سالہ جد و جہد کے اس دور میں ایم کیو ایم کی قیادت آ چکی ہے کہ اب ہمیں واپس نہیں جانا ہے کہیں. ٹھیک، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے اور ہر قیمت پر محفوظ بنانا ہے. جب میں ہر قیمت پہ کہتا ہوں تو اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے کوئی، آپ نے ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. ہمارے ساتھ پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت 3 سال سے زیادہ کور کمیٹی کے اجلاس کرتی ہے، ایک بلدیاتی بل پاس ہوتا ہے، گورنر اس وقت کے ایک آدھ ہفتے کے بعد چھٹی پہ جاتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر وہ قانون تبدیل کر کے میجورٹی کی بنیاد پر جی اس کو قانون کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اس عمل نے مہاجروں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یہ انتخابی عمل جس میں ہم حصہ لیتے ہیں شاید یہ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں. ایک راستہ تو ضرور ہے لیکن مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل جد و جہد میں ہے، عملی جد و جہد. مہاجروں کو قوم پرست بننا پڑے گا جیسے میں نے بھی کہا نا، اور اس پروسیس سے گزر رہے ہیں مہاجر. بے خوف ہو کر انہیں اپنے حقوق کے لیے آنا پڑے گا. اگر مہاجر نے دیر کی تو وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جو قوموں کی زندگی میں اگر غلط فیصلے ہوں اور بر وقت فیصلے نہ ہوں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ خراب. موٹی موٹی ڈیمانڈس میں سے موٹی موٹی ڈیمانڈس، تو سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تقریر، تحریر اور تصویر پر سے غیر آئینی پابندی ہٹائی جائے. قائد تحریک کا گھر 90 جو مہاجروں کے اتحاد کی علامت ہے اس کو کھولا جائے. خورشید میموریل ہال اور سندھ میں جتنے بھی سندھ کے شہری علاقے، بلکہ پاکستان بھر میں جتنے بھی ایم کیو ایم کے دفاتر ہیں ان کو کھولا جائے، اور ایم کیو ایم کو تمام دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اپنے سیاسی عمل کو جاری رکھنے کی مکمل غیر مشروط اجازت دی جائے، تاکہ اپنا مقدمہ مہاجر اور ایم کیو ایم کی قیادت عوام تک لے جائے. اب عوام کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہمیں بھی منظور ہوگا. آپ زبردستی لوگوں کے دلوں سے قائد تحریک کی محبت کو نہیں نکال سکتے. قائد تحریک نے میں نے کہا نا، یہ محبت اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو صرف کر کے یہ ارن کی ہے باقاعدہ. اچھا، آپ کی ایم کیو ایم کی لڑائی فوج سے ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا کرپٹ فوج اور کرپٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں جی، پاکستان قائد تحریک نے بار بار کہا ہے اور
ہم سلوٹ کرتے ہیں اس سپاہی کو پاکستانی افواج کے جو بارڈر پہ جا کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، لیکن ہم شدید الفاظ میں اور شدید ترین طریقے سے اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اس کرپٹ سسٹم کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور اسے ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جو چند مخصوص ریٹائرڈ اور موجودہ جرنلوں کی جیبوں اور ان کی دولتوں کے انبار لگائے اور وہ طاقت کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں، تمام عوام کو اپنا غلام رکھے. مطلب وہ ایک ری انجینئرنگ کا پروسیس بند ہونا چاہیے. بند ہونا چاہیے. کوئی میسج آخر میں؟ میسج تو مہاجر عوام کو یہی دینا ہے. جی مہاجر عوام کو یہ میسج دینا ہے کہ الیکشن کا مکمل بائیک آٹ کیجیے، قائد تحریک کی آواز سے آواز ملائیے، اور وہ آواز جو ہے وہ خاموشی کی صورت میں، خاموشی کی صورت سے مراد کہ اپنے گھروں میں بیٹھیے الیکشن والے دن، اور قبرستان جیسا سناٹا ہو اور ایسی خاموشی ہو سندھ کے شہری علاقوں میں کہ وہ خاموشی چیخ اٹھے. بالکل صحیح. وہ خاموشی خود چیخ اٹھے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب جب مہاجر عوام کو امتحان میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، مہاجر عوام نے آؤٹ آف دی باکس جا کر، آؤٹ آف دی اسٹیپ جا کر قائد تحریک کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر کے اس بات کا بار بار برملا اظہار کیا ہے کہ وہ قائد تحریک ہی بابائے مہاجر قوم ہیں اور پوری کی پوری قوم قائد تحریک کے پیچھے کھڑی ہے. تو انشاءاللہ بائیکاٹ مکمل طور پہ ہوگا، اور اس بائیکاٹ سے ہی راستہ نکلے گا مہاجر حقوق کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد رضا خان صاحب. ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام میں کوشش کی کہ ایم کیو ایم کا موقف پوری طرح سے آپ تک پہنچایا جائے اور آپ کے سوالات کے جواب بھی لیے. اس لیے یہ موقع پہنچانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بعض اوقات نیٹ ورک ٹیگ ٹی وی پہ اور ہمارے پروگرام پہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں کہ ان کو وقت زیادہ دیا جاتا ہے. وقت اس لیے زیادہ دیا جاتا ہے کہ کہیں پہ ان کو وقت نہیں دیا جاتا. جہاں دیا جانا چاہیے، جس ملک پاکستان میں یہ سیاست ہو رہی ہے وہاں پہ ٹوٹل بین ہے، وہاں پہ پیڈ صحافت ہو رہی ہے، وہاں پہ ان ایم کیو ایم یا جو بھی مظلوم طاقتیں ہیں، چاہے منظور پشتین کیوں نہ، ان کا نام لینے پہ پابندی ہے. اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، یہاں کا چارٹر آف رائٹ اینڈ فریڈم ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہر شخص کو بولنے کی اجازت ہے. وہ آزاد پیدا ہوا تھا، اسے زندہ رہنے کا حق ہے. رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف فری اسپیچ ہے. اسی لیے ہم اپنے ہر شو میں ہر طبقے کو موقع دیتے ہیں جو کہ انسانیت کی بات کرتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا. ہم نے آپ تک اپنی موقع پہنچایا، رائے پہنچائی. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ٹورانٹو میں روزہ کھلے میں تقریباً گھنٹہ بھر سے کم رہ گیا ہے. آپ لوگ روزہ افطار کیجیے گا ایک گھنٹے کے بعد. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.